ये बड़ी खबर, अहम जानकारी है। जोधपुर दक्षिण निगम में वनिता सेठ ने मेयर का पर्चा भी भर दिया है। बीजेपी की ओर से महापौर प्रत्याशी हैं वनिता। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, इस लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये बड़ी खबर जहां पर खासतौर पर आपको जानकारी दें कि जोधपुर दक्षिण निगम में वनिता सेठ ने मेयर का पर्चा भी भरा है और बीजेपी की ओर से महापौर प्रत्याशी हैं वनिता। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित परिहार जुड़े हुए हैं। ललित, जोधपुर दक्षिण निगम में वनिता सेठ ने मेयर का पर्चा भरा है, क्या अपडेट? सचिन, जोधपुर नगर निगम दक्षिण में जहां बीजेपी को बहुमत मिला है, अपनी तरफ से तैयार सीटें बीजेपी ने जीती है, वहां वनिता सेठ ने महापौर के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी की तरफ से एक अकेली वनिता ने अपना पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी उनको घोषित कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से पूजा राठी की बात जरूर चल रही है उनके सामने पर्चा भराए जाने की, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वनिता सेठ बीजेपी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठभूमि से आती है, दुर्गा वाहिनी और जो संघ के दूसरे संगठन है उन सब में काम करती रही है। कॉनकोर की डायरेक्टर भी उनको 3 साल पहले बनाया गया था। तो इसके साथ ही एक और उनके साथ खूबी जुड़ी है कि उनको वसुंधरा राजे खेमे का भी माना जाता है। जब आज पर्चा भरने के लिए वो पहुंची तो वसुंधरा राजे के खास माने जाने वाले लोग भी वहां मौजूद थे और दूसरी ओर संघ पृष्ठभूमि से आने वाले बीजेपी नेता भी मौजूद थे। तो ये एक रोचक नजारा आज यहां देखने को मिला। दूसरी ओर कुंती देवड़ा ने कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में नगर निगम उत्तर के महापौर के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। कुंती देवड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय मानसिंह देवड़ा की पुत्री है। मानसिंह देवड़ा जोधपुर में सरदारपुरा से MLA बनते थे और UIT चेयरमैन रहे। अशोक गहलोत की जब पहली सरकार बनी थी 1998 में तो अशोक गहलोत उस समय सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसके बाद में उनके विधानसभा में जाने के लिए अपनी सीट मानसिंह देवड़ा ने खाली की थी। सरदारपुरा सीट से वो उस समय विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट खाली की थी और अशोक गहलोत ने वहां से चुनाव लड़ा था। इसके बाद से लगातार अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से ही निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो बाद में अशोक गहलोत ने उनको राजस्थान आवासन मंडल का डायरेक्टर बनाया था। इस तरह से कुंती देवड़ा की पृष्ठभूमि भी मजबूत है। और एक और जो प्रत्याशी हैं शैलजा परिहार, डॉक्टर शैलजा परिहार, इनका भी नामांकन कांग्रेस की ओर से भराया जा सकता है, इसकी चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि शैलजा परिहार और कुंती देवड़ा में से आखिरी नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही तय करेंगे। जब नामांकन वापसी का दिन होगा उससे पहले ये तय कर लिया जाएगा, ऐसी अभी तक चर्चाएं चल रही है। सचिन, हर नजर आप बना रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। जोधपुर में बीजेपी ने तय किए महापौर के उम्मीदवार। उत्तर दक्षिण